उधर रूस यूक्रेन के बीच जारी जंग बेहद भयानक होती जा रही है। यूक्रेन ने ताबड़तोड़ 100 से ज्यादा ड्रोन दागकर रूस के सबसे अहम विस्फोटक संयंत्र पर निशाना साधा है, जिससे बौखलाए रूस ने बैलिस्टिक मिसाइल से यूक्रेन पर हमला बोल दिया। बीते हफ्ते रूस ने यूक्रेन पर करीब 800 हवाई बम और 500 से अधिक ड्रोन से जबरदस्त हमला किया था, जिसका यूक्रेन ने रूस से बदला लिया है। देखिए रिपोर्ट। रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग की आग और भड़कने वाली है। यूक्रेन ने एक साथ 100 से ज्यादा ड्रोन के जरिए जबरदस्त हमला बोलकर मॉस्को समेत पूरे रूस को दहला दिया है। यूक्रेनी सेना ने 100 ड्रोन के जरिए 900 किलोमीटर दूर रूस के डेजर्जेंस्क शहर में मौजूद सबसे बड़े विस्फोटक संयंत्र को निशाना बनाया। जिनमें से कई ड्रोन राजधानी मॉस्को तक पहुंच गए। रूस के पश्चिमी इलाके में रविवार को 900 किलोमीटर दूर से यूक्रेन ने 100 से ज्यादा ड्रोन के जरिए सबसे भीषण हमला किया। जिससे रूस की धरती थर्रा उठी। तक ड्रोन के जरिए रूस के शहरों को निशाना बनाने वाला यूक्रेन रूस के सबसे बड़े विस्फोटक संयंत्र को निशाना बना चुका है। जहां रूस ने सबसे बड़े हथियारों का जखीरा जमा कर रखा है, विस्फोटक संयंत्र पर ताबड़तोड़ ड्रोन अटैक से पूरा इलाका धमाके की गूंज से दहल उठा और धमाके की गूंज रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के कानों तक सुनाई देने लगी। रूसी रक्षा मंत्रालय ने कहा कि यूक्रेन ने रूस के 7 इलाकों को 110 ड्रोन से निशाना बनाया। रूस के कुर्स्क पर सबसे ज्यादा ड्रोन अटैक हुए, जिनमें से 43 ड्रोन को हवा में ही मार गिराया गया। टीम न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज़ नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।